हेलो नमस्कार सत श्री अकाल सलाम, कैसे हो देवी और भाईजान। तो दोस्तों, फाइनली ओप्पो ने अपने रेनो 6 का 5G यूनिट जो अभी लेटेस्टली लॉन्च हुआ है वो हमारे पास रिव्यू के लिए भेजा है। तो आज की इस वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों, वैसे मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका है इसको यूज़ करते हुए, और इसको आज की इस वीडियो में इसको कुछ फीचर्स जो मुझे पसंद आए और जो कुछ ना पसंद आए वो उनकी डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ आप में से एक लकी सब्सक्राइबर को ये रेनो 6 5G गिव अवे में भी दिया जाएगा दोस्तों। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और गिव अवे किस प्रकार से आपको मिलेगा उसकी पूरी डिटेल्स जानने के लिए भी आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और इसके फीचर्स वगैरह के बारे में ज़रा डिटेल से जानते हैं, और आपको किस प्रकार से ये गिव अवे में मिल सकता है उसकी भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखेंगे हम। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और इसका अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, ये है ओप्पो रेनो 6 5G का बॉक्स। ऊपर आप देख पा रहे होंगे ये हल्का ग्रीनिश सा लुक दिया गया है, और अंदर नीचे की तरफ आपको ब्लैकिश सा लुक दिया गया है। साइड्स पे आप देखेंगे रेनो 6 5G की ब्रांडिंग दी गई है, और ये रेनो 5 का बड़ा भाई रेनो 6 है, और इसका भी बड़ा भाई आता है ओप्पो रेनो 6 प्रो, और ये ओप्पो रेनो 6 है दोस्तों। ये 5G टेक्नोलॉजी पे आता है। साइड्स में आप देखेंगे इस पर भी ब्रांडिंग दी हुई है दोस्तों। नीचे की पीछे की तरफ आप देखेंगे तो एंड्रॉयड के कुछ ऐप का टाइप बना हुआ है। ये आपको 8GB वाला वेरिएंट है दोस्तों। ये एक ही वेरिएंट में आता है, इससे इसका दूसरा कोई वेरिएंट नहीं है, लेकिन इसका बड़ा भाई ओप्पो रेनो 6 प्रो दो वेरिएंट्स में आता है। उसकी अनबॉक्सिंग भी आपको हमारी वीडियो में जल्दी ही मिलने वाली है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, जल्दी से इसको ओपन करते हैं। वैसे मैं दोस्तों इसको अनबॉक्स कर चुका हूं और इससे काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों, ये देखिए ग्रीनिश के अंदर से निकला ब्लैक काला काला शूट, और ये देखिए ऊपर आप देख पा रहेंगे ओप्पो की ब्रांडिंग है, और इस पर आप देखिए काफ़ी अच्छा सा रगिड मटेरियल दिया गया है। ये है तो फाइबर का टाइप का, लेकिन ये और बॉक्सेस से काफ़ी अच्छा है दोस्तों, और कूल लगता है साइड में दोस्तों। अब जल्दी से बॉक्स को खोलते हैं। बॉक्स को खोलने के लिए कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बॉक्स का खुल चुका है दोस्तों। अब आपको ये हटाना है। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे वही पुरानी बातें, सिम इजेक्टर टूल, कुछ पेपर यान, और इसका सिलिकॉन केस। दोस्तों, ये सबसे बुरी बात लगी, क्योंकि मैं इसे 10 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, 10 या 15 दिन से, और इसका जो सिलिकॉन केस था ये बिल्कुल वाइट आया था, लेकिन अब येलो हो चुका है दोस्तों। देख पा रहे होंगे इसकी साइड्स, और आप देख पा रहे होंगे काफ़ी फ्लैट साइड्स दी गई हैं। इससे अंदाज़ा आप लगा पा रहे होंगे कि इसकी साइड्स जो हैं वो फ्लैट आने वाली हैं। केस की क्वालिटी सही है, लेकिन वही हल्का फुल्का वाला ये दोस्तों, कोई चीप एक्सपेंसिव मटेरियल नहीं है, इतना महंगा फ़ोन है, उसके बाद भी केसेस वही रखते हैं, कोई भी कंपनी हो केस तो वही नॉर्मल साइड रखते हैं दोस्तों। उसको हटाते हैं साइड में, ये सिम इजेक्टर और इसका पेपर गैन भी साइड में डालते हैं, और ये है हमारा ओप्पो रेनो 6 5G। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसको ज़रा हटाते हैं अभी साइड में, बाकी बॉक्स कंटेंट्स के बारे में देखते हैं दोस्तों क्या क्या इसमें मिलने वाला है। इस लिड को हटाते हैं दोस्तों। आपको मिलने वाला है एक साइड टाइप सी का केबल, प्लस आप लोगों को इसके अंदर मिलेगा दोस्तों, इसके अंदर आप लोगों को ईयर पीस भी दिया गया है, जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स हटाने लगे हैं, लेकिन इसमें ओप्पो ने दिया है साथ में। लेकिन दोस्तों, एक बुरी बात यह है कि इसके अंदर आपको टाइप सी वाला ईयरफोन मिलने वाला है, यानी कि आप अपने पुराने 3.5 mm वाले ईयरफोन यूज़ नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। उसके लिए आपको अलग से टाइप सी तो 3.5 mm का चेक परचेज़ करना पड़ेगा, लेकिन आपको ज़रूरत क्या है, इसके अंदर पहले से ही मिल रहा है तो आप इसे ही यूज़ कीजिए। देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर चार्जर भी काफ़ी दमदार दिया गया है दोस्तों, काफ़ी हेल्दी चार्जर है, और आउटपुट की बात करें तो ये आप लोगों को 65W का आउटपुट दे देता है दोस्तों, जो काफ़ी फास्ट इसको चार्ज कर देगा दोस्तों। तो यही है इसके अंदर बॉक्स कंटेंट। इनको ज़रा दोस्तों अभी हटाते हैं साइड में, और अब बात करते हैं हमारे मेन फ़ोन की। दोस्तों, फ़ोन काफ़ी लाइट वेट फील होता है दोस्तों, और फ़ोन के इस पॉली रैप पर ही आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर बूके फ्लेयर पोर्ट्रेट वीडियो भी मिल जाएगा दोस्तों, AI हाईलाइट वीडियो, अल्ट्रा नाइट वीडियो भी इसके अंदर मिलेगा, प्लस इसके अंदर लाइव HDR भी मेंशन किया गया है। ऊपर देखेंगे अल्ट्रा स्लिम रेट्रो डिज़ाइन है दोस्तों, 65W का सुपर वूक 2.0 ये सपोर्ट करता है दोस्तों। इसके अंदर डिस्प्ले की बात करें तो 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले इसमें मिलने वाला है दोस्तों। क्लीन लुक है दोस्तों, काफ़ी क्लीन लुक है। इसको हटाते हैं इस पॉलीथिन को, और ये देखिए दोस्तों चमचमाता हुआ हमारा ओप्पो रेनो 6 निकल कर आ चुका है बॉक्स से बाहर।
दोस्तों फिंगरप्रिंट बहुत जल्दी पकड़ता है। बैक साइड दोस्तों काफ़ी प्यारी लुक दी गई है, दोस्तों देख पा रहे होंगे आप। इसको ओप्पो क्लेम करता है, ये ओप्पो रेनो ग्लो डिज़ाइन है दोस्तों, जो काफ़ी ग्लो कर रहा है। और इसके अंदर आपको सतरंगी डिज़ाइन मिलता है, जैसे कि इंद्रधनुष में कलर आते हैं उसी टाइप से वाइब्रेंट कर रहा है दोस्तों, काफ़ी क्यूट सा डिज़ाइन है। साइड्स की अगर बात करें तो दोस्तों आपको फ्लैट साइड्स मिलने वाली हैं। फ्लैट साइड से याद आया कि एक और फ़ोन के अंदर यही साइड्स मिलती हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैं बता ही देता हूँ दोस्तों, वो आईफोन है। और ये देखते हैं ये अपने पैरों पर खड़ा हो पाता है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये फ़ोन अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। जैसा कि आईफोन खड़ा हो जाता है तो इसका मतलब फ़ोन सही है। इसके चेसिस की बात करें तो ये एल्यूमिनियम बिल्ड है दोस्तों, और पीछे भी मेटल बिल्ड है दोस्तों, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। और इसे आप स्क्रैच आसानी से नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैंने काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस पे डालने की कोशिश की, देखिए मार्क आए दोस्तों। और इसको आप बड़ी आसानी से क्लीन कर सकते हैं, और एक भी मार्क अब इस पर नहीं रहा है दोस्तों। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको माइक्रोफोन मिलने वाला है सेकेंडरी, और ये इसके नेटवर्क के लिए चिन दिए हुए हैं वही हैं, क्योंकि फ़ोन जो है काफ़ी स्लिम है, इसलिए इसके चिन्स जो हैं वो साइड में ही एडजस्ट किए गए हैं। और फोन्स में अंदर एडजस्ट कर देते हैं, लेकिन इसके साइड्स में ही किए गए हैं। आप देखेंगे राइट साइड पर आपको मिलने वाला है पावर बटन, लेफ्ट साइड पे आपको मिलने वाले हैं दो वॉल्यूम रॉकर्स प्लस नेटवर्क चिन्स, और नीचे की तरफ आपको मिलने वाला है एक सिम ट्रे प्लस माइक्रोफोन और एक USB टाइप सी का पोर्ट, जिससे आप इसे चार्ज भी कर पाएंगे और अपने ईयरफोन को भी लगा पाएंगे। इधर आप लोगों को स्पीकर भी मिलता है दोस्तों, इसके अंदर सिंगल स्पीकर दिया गया है, इसके अंदर डॉल्बी का साउंड नहीं दिया गया है, सिंपल वाला है। जल्दी से दोस्तों इसको बूट करते हैं, और तब तक इसके पीछे के मामलात को देखते हैं। तो पीछे की तरफ आप लोगों को 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, वहीं एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा और प्लस 2 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा इसके अंदर मिल जाता है दोस्तों। इधर आप लोगों को डुअल LED फ्लैश दिया गया है, जो एक बड़े और छोटे से में, और इसका दोस्तों ये काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा उठा हुआ डिज़ाइन है और वो काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। जैसे इसको फील करोगे तो काफ़ी बढ़िया और क्यूट सा लगता है दोस्तों। नीचे आप देख लेंगे ओप्पो की ब्रांडिंग है दोस्तों। दोस्तों जल्दी से इसके सिम ट्रे को चेक करते हैं कि इसके अंदर कौन सा सिम ट्रे दिया गया है दोस्तों। आप देख पाएंगे कि इसके अंदर आप लोगों को डुअल सिम कार्ड ट्रे मिलेगा, इसके अंदर आप माइक्रो SD कार्ड नहीं लगा पाएंगे, इसके अंदर आप केवल दो सिम कार्ड यूज़ कर पाएंगे, वो भी नैनो वाले, इसलिए 128 GB है। इसे एक्सपेंड करने के लिए कम से कम मेमोरी कार्ड लगाने का तो ऑप्शन देना चाहिए था, इसके अंदर नहीं है दोस्तों, आपको सिंपली यही यूज़ करना पड़ेगा बस। दोस्तों फ़ोन जो हो चुका है बूट, आप देख पा रहे होंगे सामने की तरफ आप लोगों को 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जो काफ़ी अच्छे साइड पंच होल में सेट किया गया है, जो काफ़ी प्यारा है दोस्तों। सामने आपको प्रोटेक्शन के लिए इस पर आपको एक प्रोटेक्शन फिल्म भी चढ़ा कर दी गई है, जिसपे स्क्रैच तो आ जाते हैं। और इसके अंदर डिस्प्ले की बात करूं तो आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला है दोस्तों, 30,000 रुपये में भी आपको गोरिल्ला ग्लास नहीं मिलता, ये सही नहीं है दोस्तों। तो इसके डिज़ाइन और लुक की बात करें तो काफ़ी प्यारा है, लेकिन दोस्तों गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन तो देना चाहिए। जब सामने आप लोगों को इतनी अच्छी रगेड फिनिश दी गई है, जिससे कि इस पर स्क्रैचेस नहीं आते, तो सामने की तरफ देना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं है। तो दोस्तों जल्दी से इसको करते हैं हम। देखिए दोस्तों, अब आप देख पा रहे होंगे फ़ोन पूरी तरीके से बूट हो चुका है, और इसकी डिस्प्ले जो है 90Hz है, और काफ़ी अच्छा रिफ्रेश रेट आपको प्रोवाइड करती है दोस्तों। और इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, ये एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड है दोस्तों। कलर OS का बात करें तो इसके अंदर वर्जन 11.3 दिया गया है दोस्तों, और बेस बैंड इसके अंदर कर्नल का दिया गया है दोस्तों। वहीं इसके स्टोरेज की बात करें तो इसके अंदर 128 GB का स्टोरेज है, और 8 GB रैम है दोस्तों, इसके अंदर 8 GB रैम दिया गया है। और ये इंडिया में सबसे पहला फ़ोन है जो डायमेंसिटी 900 पर आता है दोस्तों। ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, जो काफ़ी अच्छा है, और इंडिया में ये पहला फ़ोन है जो डायमेंसिटी 900 पर आता है। इससे पहले और ना इससे बाद में अभी तक कोई फ़ोन डायमेंसिटी 900 पर आया है। और इसके अंदर दोस्तों एक और स्पेशल ऑप्शन है, इसके अंदर आप लोगों को 8 GB का रैम मिलता है। वहीं आप इसे वर्चुअली एक्सपेंड करना चाहते हैं तो 5 GB तक एक्सपेंड कर पाएंगे दोस्तों, यानी कि 8 GB प्लस 5 GB यानी कि 13 GB तक का रैम आप लोगों को इसके अंदर वर्चुअली मिल जाएगा। लेकिन मेन रैम दोस्तों आपको 8 GB का ही मिलता है, इसलिए वर्चुअली है तो स्पीड में थोड़ा डिफरेंस लाएगा, लेकिन उतना फील नहीं मिलेगा आपको। ये अच्छा गेम खेलेंगे तो उस टाइम पे तो आपको फीलिंग अच्छी देगा, लेकिन वैसा कोई लंबा तंगड़ा स्पेशल इफेक्ट आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा, केवल
8GB ही आप मानकर चलिए, वर्चुअली तो वर्चुअली होता है दोस्तों। दोस्तों इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को 6.43 इंचेस का डिस्प्ले मिलने वाला है जो 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। वहीं इसकी पीक ब्राइटनेस की बात करें तो आपको 750 निट्स का पीक ब्राइटनेस भी मिलता है जो काफ़ी ब्राइट है, आउटडोर में आपको काफ़ी अच्छा वीडियो प्लेबैक और बाकी सारे आइटम्स दे देगा जो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। अगर इसके बैटरी की बात की जाए तो इसके अंदर आप लोगों को 4300 यानी कि 4300 mAh का बैटरी मिलता है जो आपको पूरे दिन तक का बैकअप दे देगा जो काफ़ी सही है दोस्तों। और इसके अंदर आपको सुपर सेवर पावर बोर्ड भी मिलता है जिससे कि आप बैटरी को काफ़ी देर तक यूज़ कर पाएंगे दोस्तों। दोस्तों जल्दी से इसका वेट करते हैं कि आप लोगों को इसके अंदर कितना वेट मिलता है। वैसे दोस्तों फ़ोन काफ़ी हल्का फील हो रहा है, मेटल होने के बावजूद भी काफ़ी हल्का लग रहा है ये। तो दोस्तों जल्दी से उसका वेट टेस्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 186 ग्राम का ये फ़ोन है जो काफ़ी हल्का है दोस्तों। इसका मेटल देखने के बाद आपको फील तो लगता है कि काफ़ी 200 ग्राम के ऊपर होगा, लेकिन ये आपको 186 ग्राम के अंडर मिल जाता है दोस्तों। काफ़ी अच्छा और अच्छे से फिट किया गया है इसके अंदर सामान, हल्का है, बहुत हल्का है दोस्तों। दोस्तों वहीं अगर सेंसर्स की बात की है तो इसके अंदर काफ़ी सारे सेंसर्स हैं। इसके अंदर अंडर डिस्प्ले सेंसर दिया गया है जो फिंगरप्रिंट के लिए यूज़ होगा और काफ़ी सही है दोस्तों, काफ़ी अच्छे से वर्क भी करता है दोस्तों। वहीं आपको सिक्योरिटी के हिसाब से आपको फेस अनलॉक और पैटर्न भी मिल जाता है। वहीं बात करें तो इसके अंदर ब्लूटूथ 5.2 दिया गया है, ग्लोनस भी इसका सपोर्ट करता है दोस्तों। इसके अंदर NFC नहीं दिया गया है, वाईफाई इसके अंदर है जो नॉर्मल फ़ोन में मिल जाता है, लेकिन NFC इसके अंदर नहीं दिया गया है जो थोड़ा डिसएडवांटेज है 30,000 तक के फ़ोन के लिए। दोस्तों अगर इसके कैमरे क्वालिटी की बात करें तो इससे मैंने कुछ सैम्पल शॉट्स जो हैं वो क्लिक किए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार के आप लोगों को सैम्पल शॉट्स मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छा कैमरा है दोस्तों। लेकिन एक जो मुझे पर्सनल पसंद नहीं आया वो ये है कि इसको जब आप फोटो क्लिक करेंगे तो आपको बैकग्राउंड जो है वो ब्लर करता है, वो थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है और चेहरे पर थोड़ा फील भी होता है। लेकिन ओप्पो है दोस्तों, ये तो काले को भी चिकना बना देता है, काफ़ी अच्छे कैमरे को इसको एडजस्ट किया गया है, लेकिन आर्टिफिशियली ओरिजिनली जो ऐसा है उस टाइप का कैमरा इसमें नहीं है दोस्तों। वहीं इसका जो बूके फ्लेयर इफेक्ट है वो काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेट देता है दोस्तों, जैसा कि आप इसके सैम्पल शॉट्स देख पा रहे होंगे। इसी से ये सारे सैम्पल्स क्लिक किए गए हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, और इसी के जो कुछ वीडियोज़ और सैम्पल शॉट्स हैं वो देखिए आप। दोस्तों ये वीडियो शूट हो रहा है इसी ओप्पो रेनो 6 से लिया जा रहा है, इसका ये बूके फ्लेयर इफेक्ट है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी ऑडियो क्वालिटी भी इससे टेस्ट कर लीजिए क्योंकि इसी के माइक्रोफोन से ली जा रही है। आउटडोर में काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है, उसके बाद भी काफ़ी अच्छी ऑडियो आपको दे देता है। देखिए किस हिसाब से पीछे की जो सनलाइट है उसको किस टाइप से फ्लेयर्स में चेंज कर रहा है, देखिए दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा ओप्पो रेनो 6 5G आप लोगों को? दोस्तों 30,000 के अंडर आने वाला ये 5G फ़ोन है जो डायमेंसिटी 900 पर आता है, और इंडिया में ये पहला फ़ोन है जो डायमेंसिटी 900 पर आता है। इसके अंदर हमने काफ़ी सारे गेम्स भी खेले और हमें काफ़ी अच्छा फील आया। प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है दोस्तों, लेकिन स्टोरेज के मामले में ये 128GB का स्टोरेज देता है, जहाँ और फोन आपको 30,000 रुपये के अंडर 256GB और भी हैवी यूसेज दे दें बाकी का, और उसके अंदर आप सिम कार्ड स्लॉट भी दिया होता है जिससे कि आप मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया होता है जिससे आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं दिया गया है। स्टोरेज के मामले में ये थोड़ा कम है दोस्तों, 8GB 128GB। वैसे प्रोसेसर और इसका डिस्प्ले और इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी पसंद आई, इसका कैमरा भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। तो 30,000 के अंडर ये एक परचेजेबल फ़ोन है अगर आप नया फ़ोन लेना चाह रहे हैं, वो भी 5G, तो काफ़ी सही है दोस्तों। लेकिन अगर आपके पास बजट थोड़ा हैवी है तो उसका बड़ा भाई खरीदिए, यानी कि ओप्पो रेनो 6 प्रो। उसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, उसमें भी कुछ कमियां हैं, लेकिन हर फ़ोन हर चीज़ के साथ नहीं मिल सकता। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा। और आप में से एक लकी सब्सक्राइबर को इसका गिव अवे मिलने वाला है दोस्तों, तो आपको करना ये है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए। और आप में से एक लकी सब्सक्राइबर को हमारी टीम की तरफ से सेलेक्ट किया जाएगा, जैसे ये ओप्पो रेनो 6 5G गिव अवे में दिया जाएगा। काफ़ी प्यारा डिज़ाइन है दोस्तों, अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ गिव अवे में पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।